लाइन में बैठो बेटा, चलो मेरा नाम मिजाज अहमद भट्ट है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में पढ़ता हूँ। जो आज हमने यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा से निकली और बाईपास तक थी। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोपरा में सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी है, जिसने हमें हमारे साथ कॉपरेट किया है इस तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने में, और हमारी जो भी हमारे जो भी यहाँ पे स्कूल की स्टाफ्स थे और एवरीवन जो भी यहाँ पे था, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस दो यूनिट्स कॉपरेट करके इस रैली को हमने सक्सेसफुल बनाया है। हम थैंकफुल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसने हमारे साथ कॉपरेट किया है इस तरह का रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मकसद यही है कि अगर हम इस देश में रहते हैं कि हमें अपने देश को रेस्पेक्ट करना है, दैट्स वाई कि हम इस तिरंगा को उठाते हैं आज, और हमारी जो 1947 में हमारी फ्रीडम मिली है तो उस चीज़ को हम आज याद कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस तिरंगा रैली को कर रहे हैं। हमारे डिग्री कॉलेज हंदवारा में प्रिंसिपल साहिबा की सरबराही में एक तिरंगा रैली निकाली गई, और इस तिरंगा रैली के निकालने का मकसद यह है कि हर एक जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है वह अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करे और अपने मुल्क की इज्जत करे, क्योंकि जो जिस मुल्क में पैदा होता है उसका आइनी हक भी बनता है और अखलाकी हक भी बनता है कि वो उस मुल्क के साथ मोहब्बत करे, जिस मुल्क में उसने पैदाइश ली है, जिस मुल्क की वो रोटी खाता है, जिस मुल्क में वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी रहा है, उस मुल्क की एक एक चीज़ के साथ जो है इस बाशिंदे को मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 400 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस तिरंगा रैली में, तो ये एक मैसेज देनी थी स्टूडेंट्स को कि आप जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और इस भारत की इस अपने मुल्क के साथ, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बेहद मोहब्बत करें। तो आज जो हमने तिरंगा रैली निकाली, इसका मेन मोटिव यही है कि हम आगे जाकर, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर डिग्रियां ख़त्म करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ शोबाजात में जाते हैं, वहाँ भी उनको ये चीज़ जहन में रहे, नहीं, हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है और अपने मुल्क को तरक्की के ओर ले जाना है। वतन की पासबानी जानो माल से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ।